नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रथम प्रमाण होता है। और यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसको जो अन्नम भट्ट हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण नाम न देकर प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव का प्रत्यक्षकरण माना है। क्या माना है? प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव का प्रत्यक्षकरण माना है। तो देखिए, जो दो हमारे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष थे, उन दो को पढ़ चुके हैं हम, संयोग और संयुक्त समवाय को। क्योंकि आपने पढ़ा था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं? कि जो इंद्रिय और अर्थ, इनके सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होगा, उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान है, उसको वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अब इसमें देखिए, ये तीसरा हमारा सन्निकर्ष है, और तीसरा जो सन्निकर्ष है वो कौन सा है? संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। और संयुक्त संवेद समवाय जो सन्निकर्ष है, वह क्या कहता है? देखिए कि रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। देखिए, जैसे हमने जो उदाहरण पढ़ा, ये हमारी इंद्रिय है और इससे हमने किसको देखा? घट को। तो सबसे पहले जब हमारा ये जो घड़ा है, इसके द्रव्य का ज्ञान होता है, तो ये होता है हमारा संयोग सन्निकर्ष। अब क्या करेंगे? इसके बाद आपको क्या दिखता है? घट रूप। ठीक है, तो ये घट का जब हम रूप का इसको ज्ञान हो जाता है, तो देखिए ये हमारा कहलाता है आपका संयुक्त समवाय। ठीक है, फिर इस घट में जो रूपत्व सामान्य होता है, कौन सा सामान्य होता है? रूपत्व। अब ये तो देखिए कौन सा हो गया, आप देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें द्रव्य का ज्ञान होता है, फिर उसके बाद देखिए गुण है, ये गुण का ज्ञान होता है, और फिर इसमें सामान्य जो पदार्थ है, आपने पढ़ा हुआ है सात पदार्थों में, तो इस सामान्य पदार्थ का ज्ञान होता है। और जब इस सामान्य पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, तब कौन सा हमारा, जब हमारी नेत्र इसको देखती रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कब होता है? ये ऐसी परिस्थिति में होता है जब हम जो हमने द्रव्य देखा है, जो घड़ा देखा इंद्री ने, और घड़े के द्वारा जब हमको उसके रूपत्व का ज्ञान हो रहा होगा, और रूपत्व का अगर ज्ञान हो रहा होगा विद्यार्थियों, तो वह कहलाएगा आपका कौन सा? वह आपका प्रत्यक्ष यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहलाएगा संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। अब क्या कहते हैं? चक्षु संयुक्ते घटे, कि चक्षु यानी इंद्री हम कौन सी लेके चल रहे हैं यहां पर? चक्षु। तो क्या कहते हैं? चक्षु संयुक्ते घटे, कि चक्षु से जो संयुक्त हमारा घड़ा है, अर्थात नेत्र जो इंद्री है, उससे जो हमारा संयुक्त घड़ा है, उस घड़े में रूपम संवेतम, कि जो रूप होता है वह किससे होता है? संवेत संबंध से रहता है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं? कि और फिर कहते हैं तत्र, वहाँ पर, कहाँ पर? इस रूप में रूपत्वस्य समवायात,
क्योंकि इस जो रूप में क्या है, जो रूपत्व जाति है, जो रूपत्व सामान्य है, वह समवाय संबंध से रहता है। तो क्या कहा कि संवेद संवा संयुक्त संवेद जो समवाय सन्निकर्ष है वो तीसरा सन्निकर्ष है। और ये क्या कहता है कि रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष है, कि जब इंद्री रूपत्व नामक सामान्य का प्रत्यक्ष करती है तो उस समय संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। क्यों? क्योंकि चक्षु संयुक्ति घटे, यानी नेत्र से जो संयुक्त घड़ा होता है उसमें रूपम संवेदम, कि जो रूप होता है वो क्या है, संवेद संबंध से रहता है। और तत्र रूपत्वस्य समवायात, और उस रूप में ये जो रूपत्व है वो समवाय संबंध से रहता है। तो इस प्रकार जो इंद्रिय का सामान्य से सन्निकर्ष होगा, जब इंद्रिय के द्वारा सामान्य का ज्ञान होगा तो वह कहलाएगा हमारा संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे जो चौथा सन्निकर्ष है उसका नाम है समवाय सन्निकर्ष। और इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है, जो नेत्र इंद्रिय है उनको, नेत्र इंद्रिय को वो तीन में ही बताता है, संयोग में, संयुक्त समवाय में और संयुक्त संवेद समवाय में। उसके बाद जो अन्नम भट्ट हैं वो उदाहरण देते हैं कर्ण इंद्रिय का। जो कर्ण इंद्रिय होती है, अर्थात जब इंद्रियों का कर्ण से ज्ञान हो, अर्थात जब कान के द्वारा किसी ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वहाँ समवाय सन्निकर्ष हो जाता है। ये जो हमारा चतुर्थ जो सन्निकर्ष है, और वह कौन सा सन्निकर्ष है हमारा, समवाय सन्निकर्ष। और जब आप समवाय सन्निकर्ष को पढ़ते हैं तो देखिए, जब इंद्रिय है, और इंद्रिय कौन सी होती है हमारी, कर्ण, स्रोत्र, स्रोत्र कहते हैं कान को। अब ये जो स्रोत्र इंद्रिय होती है, और जब इसका साक्षात्कार किससे होता है, शब्द से। तो यहाँ पर ये जो शब्द है वो क्या हो गया आपका, अर्थ, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, ये इंद्रिय हो गई, ये अर्थ हो गया। अब जो अन्नम भट्ट हैं, अन्नम भट्ट क्या कहते हैं, जो चतुर्थ सन्निकर्ष बताया अन्नम भट्ट ने, क्योंकि षड्विध सन्निकर्ष बताए हैं, छह प्रकार के सन्निकर्ष बताए हैं, कि जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो उसमें छह प्रकार के सन्निकर्ष काम करते हैं। आप जिसमें देखिए, समवाय सन्निकर्ष क्या कहता है, स्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष, कि स्रोत्रेण, स्रोत्र कहते हैं कान को, तो स्रोत्रेण यानी कर्ण इंद्रिय के द्वारा, कानों के द्वारा जब शब्द का साक्षात्कार होता है, तो क्या कहा, स्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार, यानी स्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जब शब्द का साक्षात्कार होता है तब समवाय सन्निकर्ष। कि भैया जब स्रोत्र इंद्रिय के द्वारा, कर्ण इंद्रिय के द्वारा, कानों के द्वारा जब शब्द का साक्षात्कार होगा तो वह क्या कहलाएगा आपका, समवाय सन्निकर्ष। और क्यों, क्योंकि कर्ण विवर, कर्ण कहते हैं कान को, और विवर कहते हैं जो कान का जो छेद होता है उसको विवर कहा जाता है। वर्ती यानी कान के छेद में जो विद्यमान आकाश, क्योंकि जो कान का छेद क्या है, शून्य के समान होता है, और आकाश को भी क्या कहा गया, शून्य, यानी जहाँ कुछ नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम, आकाश कहते हैं। तो क्या कहा, कर्ण कहते हैं कान को, और विवर कहते हैं उसका छिद्र। तो कर्ण विवर और बढ़ती यानी विद्यमान आकाशस्य स्रोत्रत्वात्, क्योंकि कान के अंदर जो कान का जो छेद होता है उसमें जो विद्यमान है वो क्या है, आकाश। उसके कान को तो मान लेते हैं हम आकाश, और शब्दस्य आकाश गुणत्वात्, और जो शब्द होता है वह क्या होता है, आकाश का गुण होता है। तो क्या कहा, स्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्षः। और फिर कहते हैं कर्ण विवर वर्ते आकाशस्य स्रोत्रत्वात्, क्योंकि कान में जो विद्यमान आकाश है उसको हम आकाश मान लेते हैं, और शब्दस्य आकाश गुणत्वात्, क्योंकि जो शब्द होता है वह क्या होता है, आकाश का गुण होता है। क्यों, क्योंकि आपने जब द्रव्य पढ़े हैं तो आपने पढ़ा था शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात जिस द्रव्य का गुण शब्द होता है उसको क्या कहते हैं हम, आकाश कहते हैं।
तो उसके बाद क्या कहा था कि शब्द शब्दस्य आकाश गुणत्वात्, क्योंकि जो शब्द होता है वह क्या होता है, आकाश का गुण होता है। और गुण गुणिनोश्च समवायात, और गुण और गुणी का जो संबंध होता है वह कौन सा होता है, समवाय संबंध। क्योंकि आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो संबंध होता है वह दो प्रकार का होता है, एक संयोग संबंध और दूसरा समवाय संबंध। तो ये जो यहाँ समवाय संबंध है, जो गुण और गुणी होते हैं उनमें कौन सा संबंध पाया जाता है, उनमें पाया जाता है आपका समवाय संबंध। और जो समवाय संबंध होता है इसके लक्षण अन्नम भट्ट ने दिया है, ययोर द्वयोर मध्ये एकम अवनिष्यद अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तयोह युत अयुत सिद्धयो। यानी जो अयुत सिद्ध होते हैं उनका जो संबंध होता है वह क्या कहलाता है, आपका समवाय संबंध। तो समवाय संबंध गुणगुणी हैं, अव्यवी अव्यव अवयवी हैं, तो इस प्रकार के जो संबंध होंगे वो आपके समवाय संबंध होंगे। और इसलिए अन्नम भट्ट ने क्या कहा कि गुण गुणिनोश्च समवाय संबंध, क्योंकि भैया जो गुण और गुणी होते हैं वे उनका जो संबंध होता है वो क्या होता है, समवाय संबंध होता है। तो इसी प्रकार से क्या है, इसका हमें अध्ययन करना है विद्यार्थियों। संस्कृत व्याख्या प्रारंभ कर दी है, जैसे जैसे समय मिलता रहेगा एक एक संस्कृत व्याख्या हम पढ़ते रहेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत।